वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्यों के साथ कोविड के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए सीएमओ ने कहा कि निगरानी समिति को पर्याप्त मात्रा में मेडिकिट उपलब्ध करा दिया गया है। यदि किसी को नहीं मिला है तो अपने संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर ले। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने निगरानी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने घर से अर्थात सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाएं। ये नहीं कि मास्क नाक के नीचे हो या गले में लटका हो, इससे हम ना खुद सुरक्षित होंगे ना दूसरे, इसलिए कोविड दिशा लाइनों का पालन करें। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि आप लोग हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं, जो गली मोहल्ले में जाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ आने जाने वालों की जानकारी रख रहे हैं। आप लोगों का कार्य काबिले तारीफ है। वहीं जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने मोहल्ला निगरानी समिति को आगाह करते हुए निगरानी समिति के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं जनपद नोडल अधिकारी मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वयं को बचाते हुए प्रत्येक घरों पर पहुंचकर लोगों से बात करें। यदि किसी को कोरोना संबंधित किसी लक्षण पाए जाने की स्थिति में उन्हें क्या करना है और क्या उपचार दिया जाना है, इसके बारे में लोगों को सचेत करना है। साथ ही शुरुआती लक्षणों के आधार पर उन्हें आवश्यक दवाओं के किट प्रदान करते हुए प्रत्येक दवा के सेवन की विधि एवं समय की जानकारी दें। महापौर सीताराम जायसवाल ने निगरानी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत ननिकर, जिला अधिकारी के विजेंद्र पांड्यान, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित नगर निगम के अधिकारी, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद सहित नगर निगम के 70 वार्डों के पार्षदगण और आशा कार्यकर्त्री, ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने कहा, या जो प्रविधि किए जा रहे थे, अब शासन का दिशा निर्देश है कि नगर आप लोग जितने ब्लैक हमारे MOIs हैं, हमारे सभासद लोग हैं, इन लोगों की मदद से हमारे पूरे वार्डों में दवाओं का वितरण हुआ है। रोज फ्राइडे हम पूरे जिले में 4,000 से ज़्यादा पैकेट बांट रहे हैं और हमारे नगर निगम साहब आयुक्त साहब ने भी प्रतिदिन 1,000 से ज़्यादा पैकेट बांटा है और हमारे लोगों के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने कोरोना को कंट्रोल कर दिया है और इसी तरह से हम लोगों का आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सेकेंड जो थर्ड फेज भी आने वाली है उसको भी हम पास करेंगे। ये आज बुलाया गया आप सभी लोगों को एक कैपेसिटी बढ़ने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए कि कैसे हम लोग साथ में काम करते रहें। तो आप लोग काम करिए और सर लोग हैं इनके गाइडेंस में काम शुरू आते हुए उनका सहयोग सही करना और इसी प्रकार से जो सैनिटाइजेशन का करना और इस प्रकार से जो मंत्री का निकाले नगर निगम द्वारा बहुत अच्छे से संपादित किया जा रहा है। सभी को निगरानी समिति की बैठक नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी की द्वारा संयुक्त रूप से की गई, हमारे सुपरवाइजर को वितरण भी किया गया और अर्थतंत्र संबंधी कार्य किए। कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया गया है। क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में 70 वार्ड हैं, इसलिए प्रत्येक वार्ड में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है और इस प्रकार सारी क्षेत्र में कुल 70 निगरानी समितियां काम कर रही हैं। इन निगरानी समितियों के जो अध्यक्ष हैं माननीय क्षेत्रीय पार्षद जी हैं और इसके जो सदस्य हैं सफाई सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षक, आशा कार्यकर्ती,
एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पुलिस विभाग के निरीक्षक, वीर सिपाही और लेखपाल, ये सभी लोग इसके सम्मानित सदस्य हैं। और जो निगरानी समिति के सदस्यों को हम लोगों ने कई बार बैठकें कर माननीय महापौर जी की उपस्थिति में थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराया है। और इनका जो मुख्य काम है, निगरानी समिति के सभी सदस्य कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव हेतु अन्य महानगरों, अन्य स्थानों से आने वाले सम्मानित जनता का चिन्हीकरण कर उनको कोरोना जांच हेतु प्रेषित कर रहे हैं, तथा बुखार वाले मरीजों को मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल एवं नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजकर इलाज कराया जा रहा है। समिति के तहत दिए गए दायित्वों के निर्वहन व निगरानी हेतु नगर निगम द्वारा स्वयं एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। मैं माननीय मंडला की महोदय का तवज्जो चाहूंगा कि जो एक सॉफ्टवेयर ये नगर निगम ने इसको डेवलप किया है, इसकी एसओपी जो है निम्नोक्त है। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु हम लोगों ने 7 कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई हुई है, और कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की जो सूची है डेली सुबह और शाम को 5 बजे के बाद हमको सीएमओ कार्यालय से प्राप्त हो जाती है। सीएमओ कार्यालय से प्राप्त इस पीडीएफ को प्रिंट कराकर उपरोक्त 7 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सॉफ्टवेयर पर एंट्री हेतु वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांकवार, वार्डवार, सुपरवाइजर, एक वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 के तहत दिए गए दायित्वों का निर्वहन के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जाता है। साथ ही सफाई सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षक, मोहल्ला निगरानी समिति के तहत दिए गए दायित्वों के निर्वहन के कार्य का फोटोग्राफ्स भी अपने अपने ग्रुप में अपलोड करते हैं। साथ ही संबंधित वार्डों के ऑपरेटरों द्वारा संक्रमित व्यक्तियों से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके मोहल्ला निगरानी समिति के तहत दिए गए दायित्वों के निर्वहन कार्य के संबंध में सूचना भी प्राप्त की जाती है कि उनको दवाइयां मिल गई हैं कि नहीं। अभी तक नगरी क्षेत्र में 15,000 से ऊपर हम लोगों ने जो मेडिकल किट है वितरित कर दिया है। और अभी 3 से 4 दिन पहले SDM सदर साहब ने हम लोगों को 1500 मेडिकल किट दिए थे, जिसमें से सर को मैं बताना चाहूँगा कि 708 मेडिकल किट जो कि पॉजिटिव पेशेंट थे उनको वितरित किए जा चुके हैं, और साथ ही साथ उनसे कंफर्म भी हो गया है कि उनको ये मेडिकल किट प्राप्त हो गई है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कई बार देखने में आता है कि रात में 10 बजे भी 11 बजे भी जो नाइट सैनिटाइजेशन हो रहा है उसमें पार्षद जी अपनी उपस्थिति में, क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी उस वार्ड की उनके पास होती है कि कौन व्यक्ति बाहर से आया है, कौन व्यक्ति इस पॉजिटिव है, कौन व्यक्ति को उसमें सस्पेक्टेड है, तो सबसे ज्यादा उन्हीं के नेतृत्व में नगर निगम की पूरी टीम काम कर रही है। निश्चित रूप से अगर हम लोग इसी प्रकार से काम निगरानी समिति के माध्यम से करते रहेंगे तो आने वाले समय में जो एक कोरोना संक्रमण की जो एक चेन है उसको हम ब्रेक करने में कामयाब होंगे, और जो तीसरी वेव आने की बात हो रही है उसके संबंध में हम लोग पहले से एक अच्छी तैयारी कर लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार से किसी कोई दिक्कत ना आने पावे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सबको पता है कोरोना सेकेंड वेव है, थर्ड वेव भी आने का बता रहे हैं, सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ। वैसे में आप वो लोग हैं जिनके मदद से हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, जिनकी योगदान फील्ड में है डे इन एंड डे आउट रोज, और आपसे ही हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है। अगर उसमें 1% भी हम माने तो 1 करोड़ से ज्यादा, 5% का मतलब इतना कोई भी संभव नहीं हो सकता है कि इतने लोगों के लिए मेडिकल सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध कराना, चाहे भगवान भी यहाँ बैठे तो मुश्किल पड़ेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी मौजूदा परिस्थिति में बहुत ज्यादा है। हमको सब पता है कि हमें सब कोरोना के बारे में कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें क्या क्या युक्तियां अपनाना है,
ये सब जानने के बाद भी हमारे बीच में कुछ लोग मास्क नीचे करके बैठे हुए हैं, आधा मुंह कवर किए हुए हैं। डबल मास्क की बात आ गई, उसके बाद भी हम दुपट्टा से ही कवर करेंगे। अभी मेरे सामने, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर देखने में दिखता है। हम पहले तो ये समझना होगा कि हम वाकई में लड़ना चाहते हैं कि बस सरेंडर हो गए। क्यों भाई? तो आधा मुंह मास्क क्या मतलब? हम खुद ही अपने को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कहां से दूसरे को सुरक्षित करेंगे? हमारे हर एफर्ट्स बढ़िया, हम दूसरे को आलोचना तो कर लेंगे कि साहब वो ठीक नहीं है, वो दवाई काम नहीं कर रही है, वो ठीक नहीं है, पुलिस वाले हम एनफोर्स नहीं कर रहे। आज अभी मैं आ रहा हूँ असुरन चौकी से ही आ रहा हूँ, एक गाड़ी में 13 लोग, और गाड़ी इनोवा नहीं है, वैगनार है। हम अच्छा, वो ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल इमरजेंसी में इलाज के लिए जा रहे हैं, शादी में जाना है इनको, खाना ना महाराज ने, और पूरा बढ़िया मेकअप वगैरह करेंगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे। क्या जरूरी है? क्या पुलिस इसके लिए भी समझाना, कितने बार समझाएंगे? अब हमारे सिपाही 2 शब्द एक्स्ट्रा कह दे या एक डंडा मार दे तो फिर वो हल्ला इतना हमारे पुलिस के प्रति। आखिर कि अगर किसी घर में सांप घुस जाए तो सांप को उस घर से निकालना कि पहले उस घर का मालिक का जिम्मेदारी है या पड़ोस की? तो मालिक भले ना निकाले कि कम से कम जो पड़ोसी को बता दे, और पड़ोसी आके निकाल देगा तो निकालने आ रहा फिर निकलने भी नहीं दे। आपके घर में कोरोना घुस गया, आप तो निकाल तो प्रयास कर रहे हैं, पड़ोसी के रूप में आपके मददगार के रूप में प्रशासन, मेडिकल विभाग, पुलिस, दुनिया के सारे लोग खड़े हैं, पर आप खुद ही उससे बचना नहीं चाहते हैं। अभी भी मैं कहने के बाद भी मास्क आदि मुंह है, क्या कहेंगे? ये जो वेरिएंट है, पिछले कोरोना वेव में मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मैं अपने को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझता था, मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ, कि आपके बाद मेरे लंग में इन्फेक्शन हुआ था, एक फर्स्ट वेव है, उसका वेरिएंट इतना खतरा नहीं था। उस घर में मैं था, मेरे परिवार थे, मेरे अलावा किसी को नहीं हुआ, मैं अपने को सेल्फ आइसोलेट किया पहला सिम्टम में। बट इस बार मेरे परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव हुए, वो भी पहला सिम्टम में, हमने टेस्ट कराया कि इतना तेजी से फैल रहा है, और ज्यादा उम्र दराज लोग नहीं थे, घर पे मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ा, इतना खतरनाक स्ट्रेन है। उसके बावजूद भी हमें, हमारे घर में इर्द गिर्द जितने हम लोग प्रभावित देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जनता अगर दिन भर सब्जी खरीद नहीं निकलेगी, दिन भर दूध लेने ही निकलेगी, दिन भर परचून की दुकान में ही निकलेगी, लॉकडाउन एनफोर्समेंट किस तरह किया जाए, तो फिर हम कोई सख्ती कर दे फिर ये कहा जाएगा कि पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। अगर कोई हॉस्पिटल में खाना देने जा रहा है, क्या वो उसका फुफेरी भाई और उसका 4 दोस्त एक गाड़ी में टूस के जाने की आवश्यकता है? किसी महिला को अपने घर का अपने जो टेस्टिंग कराने ले जाना है, क्या उसकी बहन को भी साथ लेके जाना है, क्या उसकी चचेरी बहन को भी साथ में लेके जाना है? मतलब ये हो रहा है, जब चेकिंग करते हैं मजबूरी में फिर छोड़ते हैं। जाओ सच्चाई हो, हम वाकई में प्रयास करें, आधा मुंह मास्क पहन के नहीं, हम वाकई में प्रयास करें, हम अपने भविष्य के लिए प्रयास करें, आने वाले वेव बच्चों के लिए खतरा है। मैं डीएम साहब को परेशान कर दिया हूँ पिछले 2 दिन से कि साहब ये बच्चों के लिए कैसे खतरा है, आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा। सबसे मैं चिंतित हूं कि आगे देखिए, हम जेल लिए, हमारे बच्चे क्या जेलेंगे, हमारे देश के भविष्य जेलेंगे? क्या हम हर वक्त दूसरे की कमियां ढूंढते रहेंगे?
इसलिए मेरे निवेदन है, हमारे एफर्ट्स में सिंसियरिटी हो, हमारे जो प्रयासों में ताकत हो, उस ताकत के रूप में हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इस कोरोना से जरूर हम बाहर निकलेंगे, बट कितना कीमत देके, ये हमारे अलर्टनेस डिसाइड करेगा। जय हिंद। जवाब महोदय, मंडलायुक्त महोदय, कप्तान साहब, नगराय साहब और सभी अधिकारी, यहाँ आए हुए मेरा साथियों, हम लोग प्रयास किए हैं, मान के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नियंत्रण किए हैं और करेंगे आगे भी, ताकि अकेले एक आदमी हम कर नहीं सकते हैं, ऐसे टीम हम लोग काफ़ी ताकतमंदी हो जाते हैं। वैसे जानते हैं हमेशा ये बीमारी का, थोड़ा गौर से सुनिए मेरा बात, ताकि दूसरे साल हम लोग जूझ रहे हैं इसी पे, और मन में रखिए ये 3-4 साल हम लोग के बीच में रहने वाली है, ये अभी जल्दी नहीं जाने वाली, बहुत लोग का और परेशान करने वाली है। गैर से रखिए मन में, जिंदा रहने तक, तब जिंदा रह पाएंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च के बात कह रहा हूँ, तो फील्ड में 24 घंटे काम करने की बात कह रहा हूँ, ताकि कैसे रूप ले रही है, ताकि पूरा ये ग्लोबल विलेज कहते हैं, भले हम भारत में भी इसको कंट्रोल कर लेंगे, अन्य देश से कंट्रोल यदि नहीं होता है, उसका लापरवाही का भी सजा हमें भोगना पड़ता है। और यहाँ भी यदि मान लीजिए गोरखपुर हम नियंत्रण कर लेंगे, दिल्ली में कोई लापरवाही होता तो उसको सजा हमें भोगना पड़ता है। ऐसे हमें नहीं पता कितने वेव वो आगे आने वाली है और किन किन को और ले जाने वाली है। हाँ, ये जरूर निश्चय है, कप्तान साहब को सही बताया, जो देश का असली पूंजी आप ही लोग हैं, बाकी चीज तो बनती है बिगड़ती है, उसका जनता है, वही देश है, हम ही देश है, उसे कोई राज अलग बनता है, हम लोग बनाते हैं, बाकी चीज चलाते हैं, वो हम लोग को सुविधा के लिए, पर कितने सतर्क हैं हम, नागरिकता कितने जागरूक है, उसी हिसाब से उसके देश सर उठे के आगे जाएगी, नहीं तो किसी के सामने झुकेगी। और देश में, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, अपने नागरिक का केवल संवेदनशील कराते हुए, बहुत गरीब गरीब देश है, छोटे छोटे देश में गिन सकता हूं, केवल मास्क पहनने से इस समय में आजाद हो गए हैं कोरोना से, बहुत सारे देश अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आजाद हुए हैं, जैसे इसराइल के नाम सुने होंगे, और 2-3 देश के नाम सुने होंगे, और छोटे छोटे देश जैसे भूटान है, जैसे जो जापान है, यहाँ ऐसे कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किए, बट इतने कर्मठ है लोग, यदि वहां आदमी को कह देता, जो नेता कह देता घर पे भी भला दूर, मुखिया कह देता, उसको अक्षर पालन करते हैं, अक्षर पालन करते हैं, उसका जिंदगी इसलिए बचा हुआ, बट हम कहां खो गए, हम लोग का जिम्मेदारी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये कहां तक है, दिन रात भर लाशें गिनते रहेंगे हम लोग बैठ के, और जो उंगली उठा के आप बताइए कोई परिवार छूटा है इसको, मैं भी कुछ तंग संक्रमित था, मेरा परिवार, सभी लोग अफेक्ट हुए हैं, मैं अभी मेरा परिवार दूसरे जगह बेच के काम कर रहा हूँ, ताकि उनको दोबारा ना हो जाए, ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोग को पता है कल परसों हमें भी आ जाएगा, तो हम कुछ जाना पड़ेगा तो जाएंगे, बट कब तक ये लापरवाही चलेगी, कब तक थे? देखिए, आपके वजह बहुत सारे चीज बचाए आप लोग, ताकि आप फील्ड में जाते हो, आप जानते हैं, इत्तेफाक से बीमारी ऐसे है, बीमारी जो वायरस है अमीरों का इस्तेमाल करता है, जो उसी का अमीरों का, यानी जो कितने आदमी मिलते जुलते हैं उसी के सबसे चलता है, यदि आदमी सावधानी रहता वही रुक जाता है तुरंत, तो सीधे सीधे हमारा हैबिट से, वातावरण से सीधे सीधे जुड़े उसका, जो सरकार बार बार 3 चीज कह रही है, मास्क पहनो, 2 गज का दूरी बनाओ और हाथ बार बार धो लें, कौन सी बड़ा महंगा वाली चीज है, पर आदत क्यों नहीं डल पा रहे हम लोग, लापरवाही कहां घूम के कहां जा रहे हैं हम लोग, हम तो अगले दिन में हमारे बच्चे भी खोएंगे, तो कोई पीढ़ी नहीं बच जाएगी, तब हम मानेंगे, ये कहां तक करेंगे हम लोग। देखिए, बस सब लोग काम कर रहे हैं, बीच में बहुत लोग डर भी गए थे, बहुत लोग विद्रोह भी करते हैं, वाकई में सही भी है, तब उन लोग को जान बचा पाए। अभी देखिए, हम तो आगे जून 15 तक बेड का संख्या इतनी वृद्धि कर रहे हैं, बेड का कोई कमी नहीं रहेगी, हर 5 किलोमीटर में का 50-50 बेड मिलेगा, 5,000 बेड हम बनाने जा रहे हैं, उसका मतलब ऐसे नहीं है तो फिर और मरीज हम जोड़ते जाएंगे, तब तक नीचे बीमारी फैलना नहीं रोकेगा,
हम कितने भी प्लान करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर का मैं तो स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, तकरीबन 55 लाख से 7 लाख जनसंख्या है गोरखपुर जनपद का। अब तक 60,000 लोग, तकरीबन 55,000 से 60,000 लोग पहला सेकेंड वेव दोनों में मिलते हुए संक्रमित हो चुके हैं, और अभी तो हमारा ग्राफ थोड़ी बहुत गिरी है, फिर भी 200 से 300 केस अभी भी आता है। अब हो सकता है एक सप्ताह 10 दिन में तो दोबारा लॉकडाउन खोलना पड़ा, मजबूरी है ताकि बहुत सारे लोग भूखे ना रह जाए, इसलिए तो सरकार को भी निर्णय लेना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ताकि एक तरफ बीमारी है एक तरफ से आर्थिक व्यवस्था को भी जारी रखना है। बहुत बड़ा चुनौती है देश में, कोई भी वैसे देश नहीं है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो भी देश गिने इसके सामने झुका नहीं है। आगे तक देखिए जो नागरिक इतने ताकत देते हैं उसी हिसाब से सरकार चलाती है। देखिए आपका मंशा कोई भी हो, मान लीजिए आप नेता चुनने का अधिकार आपका हमेशा है, हर 5 साल के एक बार कोई भी नेता चुन ले तो आपका मर्जी है। आपको जो तो मन में जो किसी का पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं वो आपका मर्जी है, बट ऐसे नहीं हमारा लापरवाही हुआ जो और किसी का जान चले जा रही है वहां तो अलाउ करेंगे। देखिए आप निगरानी समिति का मैं यही निवेदन करता हूँ, पार्षदगण ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत मेहनत की है, अब लोग फर्स्ट वेव में इतने मेहनत किए इसलिए तो लग ही नहीं रहा तो कोरोना कैसे आया है कैसे चला गया। इस बार जरूर तो वेरिएंट अलग है ताकि बहुत तीव्रता, तीसरे दिन में फेफड़े में 80% खत्म हो जाता है, पांचवें दिन में आदमी का सांस फूल जाता है, सातवें दिन में मर जाता है, हम लोग को समय ही नहीं बचता है, और हजारों हजारों आदमी एक दिन में आ जाता तो किसको बेड दें। हम लोग ऐसे भी हालत में थे, एक दिन में 100 लोग लाइन पे थे एक बेड के लिए, मरने के लिए इंतजार कर रहे, तो आदमी मरेगा तब वो बेड मिलेगा, तो और दोबारा वो स्थिति कतई हमारे जिंदगी में किसी के जिंदगी में देखने नहीं मिलना चाहिए। तो उसको वो कैसे करेंगे इसको, जो केवल हंसी मजाक नहीं है, वाकई में वो कह रहा हूं तो कम से कम 3 साल हमारे साथ रहने वाली बीमारी है। तो सब लोग अपने परिवार को सुरक्षित रखें, आपको सुरक्षित रखें, आपको मोहल्ला में दिए हुए जो कितने जिम्मेदारी है, 700 रुपये जो एक वार्ड है या 70 वार्ड है, मोटा मोटा आप मान सकते हैं एक वार्ड में तकरीबन 30,000 से 40,000 लोग रहते हैं, परिवार की संख्या मानेंगे तो 2,000 परिवार होता है, बस उसका लगातार निगरानी करना, उसको हमारा परिवार के रूप से स्वीकारना है, ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसे नहीं तो दूसरे किसका इसे घर पे मौत होते तो हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे घर पे भी होने वाले हैं, तब सभी को एक परिवार के रूप से टीम के रूप से हम ना काम करेंगे कोई फायदा नहीं। जो लापरवाह उनको सजा मिलेगी ना, उनका लापरवाही का सजा हमें भी मिलेगा, मतलब हम ऐसे टीम ऐसे परिवार काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं तो झुकने वाले हैं, कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं। तीसरा वेव का जैसे कप्तान साहब ने बताया 2-3 इंडिकेशन है, मुझे नहीं पता है कितने होने वाले हैं, मैं आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसके बच्चे का ऊपर असर पड़ने के लिए संभावना ज्यादा है। देखिए हम एक तरफ से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, एक तरफ से जो संक्रमित होते हुए कितने लोग निकलते हैं उनका कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक दोबारा संक्रमण नहीं होगा, ये तो साइंस है, ताकि अंदर का जो एंटीबॉडी होता है वो ताकत दे देता है कम से कम, वो भी 3 महीने 6 महीने के लिए। नोट करिए वैक्सीनेशन कितने लोग लगाए, टीके लगाए कितने लोग, वो भी 3 से 6 महीने तक ही असर करता है। यदि मान लीजिए उसके जगह दूसरा दुश्मन आ गया, कुत्ता की जगह बिल्ली आ जाएगा तो उसको नहीं लड़ पाएगी हमारा शरीर, और वायरस इतने ताकतवर है उतने वो सिंगल स्ट्रेन आरएनए कहते हैं, यानी वो इतने तेज तीव्रता से वो बदलती जा रही है, हर कंट्री में स्ट्रेन अलग है, हमारा भारत में अब तक 16 स्ट्रेन आ चुकी है, अभी हम लोग मार खा रहे हैं ना, इसका नाम तो B1614 बिल्कुल अलग है, ये दुनिया में नहीं है ये स्ट्रेन, तो फिर जाएगा कहीं घूम के, अब और कोई स्ट्रेन आ सकता है, मतलब नया नया तरीके से बदल 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 करके आ रही है वो, एक तरफ से वो हमारा बॉडी पहचान नहीं पा रही, इसलिए केवल वैक्सीनेशन नहीं बचाती है, हमारा आदत है जो हमारा जो वातावरण में हम लोग कितने नियंत्रण कर रहे हैं यही तो बचा पाती है हमारा। और दूसरा चीज है अब स्कूल तो खुला नहीं है, भले लॉकडाउन है बच्चे अंदर है खेलने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे, हो सकता है तो घर पे कोई पीड़ित होता है तो बच्चे के आने के लिए चांसेस ज्यादा है। दूसरा और भयंकर चीज है आपको सुनने के भी आ रहा होगा, कितने पीड़ित लोग जो कोरोना से निकल के आ रहे हैं उन लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहा है, ब्लड फंगस के नाम सुने होंगे पड़े होंगे, वाइट फंगस के नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग हार्ट का हार्ट अटैक से मर रहे हैं कोरोना के बाद, यानी कोरोना से बच रहे हैं और किसी बीमारी से जाके मर रहे हैं, ताकि कोरोना का जो इतने जो कमजोर कर देता है आदमी का अंदर का शरीर को बिल्कुल तोड़ के रख देता है, बिगड़ के रख देता है, उसके बाद पूरे जिंदगी वो आदमी वापस नहीं आ पाता उसी स्थिति पे, कितने भी कम उम्र का हो, 25 साल का भी 30 साल का, इसलिए ऐसे नहीं तो एक बार कोरोना हो गया तो मैं ठीक हो गया,
उसका असर 2 साल के बाद पड़ेगा, 3 साल के बाद पड़ेगा, तब पता चला, तब हार्ट अटैक होता है, किसी का स्ट्रोक होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है। इसलिए आना से जो बीमारी आने से बचना ही तो हम लोग का एक ही बेहतर उपाय। आने के बाद ऐसे नहीं तो हमें आ गया है दोबारा क्या होगा, दोबारा री इन्फेक्ट भी हो रही है। हमारे बैच के बहुत लोग हैं, पहले बार कोरोना हुआ है दोनों वैक्सीनेशन लगने के बाद, फिर दोबारा आया 6 महीने के बाद। इसलिए ये जो विंडो पीरियड है ना केवल कुछ समय के लिए 3-4 महीने के अंदर, बट वो 3-4 महीने हम सब लोग मिलकर के ताकत के साथ हम एकजुट रहेंगे, वायरस जरूर समूह से बाहर निकल जाता है। हम तो कम से कम 1 महीने के लिए छुट्टी तो, 1 साल के लिए छुट्टी तो करना ही पड़ेगा। सब लोग का तो परेशानी तो होता है, बट ये तो कुर्बानी, छोटी सी कुर्बानी है, ये देने से किसी के जान बचता है तो कौन सी बुराई है। तो आपका कहीं सिनेमा जाना है, कहीं टूर में जाना है, किसी शादी में जाना है, अवॉइड करिए, कोई बुराई नहीं है। तो किसी दिन में एक दिन भी जो है ना बीमारी आ जाता है, पता नहीं चलता दूसरा तीसरा दिन में सबको हो जाता है, किसी घर पे जो गम हो जाता है बहुत दुखद होता है। देखिए कोरोना से मरने से बेहतर दुर्भाग्य है, मृत्यु कुछ नहीं होता है। आप बताएं वो मन में रखिए, मैं भी आपका परिवार के सदस्य हूँ, इसलिए मुझे अधिकार बनता है आपको बताने के लिए। बाकी हम सब मिलकर लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। जय हिंद। गोरखपुर जनपद के जिलाधिकारी श्री विजेन, SSP गोरखपुर श्री दिनेश, अति सम्मानित हमारे सभासदगण, अर्बन PSC से आई हमारे MOICs, मोहल्ला निगरानी समिति के अन्य सदस्यगण, प्रमुखतया ANM आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, बहुत सारी बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं और उनको रिपीट करना बहुत ठीक नहीं लगता है। और आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने जिलाधिकारी SSP पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही हैं कोई किताब से पढ़ के नहीं कही, एक साल से सवा साल से लोग जूझ रहे हैं, और जो भी बातें जब विजेंद्र कह रहे थे तो मैं समझ सकता हूँ कि वो बातें हैं जो 24 घंटे ये लोग दिन रात देख रहे हैं और अपने दिल से बोल रहे हैं। जो बातें आपसे कह रहे हैं ये कोई किताबी बातें नहीं है, या सोच के नहीं आए कि ये कहती है। आज सुबह ही हम लोगों ने अपने बहुत ही कर्मठ एक वरिष्ठ अधिकारी AD पशुपालन को खोया है, और उन्होंने लंबी लड़ाई प्राइवेट हॉस्पिटल में और BRD में लड़ी, और बहुत दुख की बात है क्योंकि आज सुबह उनकी डेथ हुई है, उनकी डेथ कोविड से हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब DM साहब बोल रहे थे, ये मत समझिए कि आपको कोरोना हुआ 10-12-15 दिन में आप निगेटिव हो गए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उनको लगभग एक माह पहले उनको कोविड हुआ था, उसके बाद वो कोविड निगेटिव भी हो गए, बट कोरोना वायरस की वजह से लंग्स इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड और डैमेज हो गए। डॉक्टर्स इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि उनका सारे प्रयासों के बावजूद भी बहुत दुखद डेथ हुई है, और पूरा हमारा मंडल स्तर का, जनपद स्तर का प्रशासन विभाग की अधिकारीगण बहुत ही दुखी हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, और पहली बात ये कहना चाहूँगा, और इसलिए हम लोगों ने महापौर साहब से और नगर निगम से अनुरोध किया कि आपसे एक संवाद स्थापित करने का हम लोग प्रयास करें। ये सोच कि ये मुझे नहीं होगा अगले को होगा, ये सोच कि डेड बॉडी हमारे यहाँ नहीं आएगी किसी और के यहाँ आएगी, ये सोच कि ये हम होगा हमारा होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, अगले को होगा तो उसे हो जाएगा, ये बिल्कुल इस बीमारी के लिए निकाल दीजिए। यदि मुझे एक बात यहाँ पर कहनी है तो वो ये कहनी है कि आप भी उतने ही वल्नरेबल हैं, आपको भी ये बीमारी उतनी ही हो सकती है जितनी उस व्यक्ति को हुई है जिसके यहाँ आज किसी की डेड बॉडी रखी हो। और इससे ज्यादा बड़ी पैंडेमिक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी, और इससे ज्यादा अज्ञात और सूक्ष्मतम शत्रु मुझे लगता है भारतवर्ष में नहीं देखा हो। और इसलिए मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, MOIC अपना काम करें, पार्षदगण अपना काम करें, आशा बहने अपना कार्य करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपना काम करें, सफाई सुपरवाइजर अपना कार्य करें, बट कार्य करते इस वक्त एक टीम वर्क होना चाहिए, ये एक संकल्प होना चाहिए कि गोरखपुर नगर निगम में हम वायरस को घुसने नहीं देंगे। DM साहब अभी कह रहे थे 70 वार्ड हैं, 2-4 हजार परिवार हर वार्ड में है, एक ही परिवार में आप मान लीजिए ये 20-25 हजार लोग,
क्योंकि संक्रमण आयु नहीं देखता, संक्रमण लिंग नहीं देखता, आर्थिक वर्ग नहीं देखता, संवर्ग नहीं देखता, रिलीजन नहीं देखता, जाति नहीं देखता। यदि यहां पर एक व्यक्ति को संक्रमित अनफॉर्चुनेटली वो है, उसे किसी को भी हो सकता है। आप कहां तक रोकेंगे? आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा अट्टालिका पैलेस बना हुआ है और आपको नहीं होगा, और एक गरीब की झोपड़ी आपके घर के बाहर है उसे हो जाएगा और आपको नहीं होगा? बिल्कुल गलत। और इसलिए ये आपके भी इंटरेस्ट में है कि आपका मोहल्ला सुरक्षित रहे, मोहल्ले के इंटरेस्ट में है कि पूरा नगर निगम एरिया सुरक्षित रहे, नगर निगम के इंटरेस्ट में है कि पूरा जनपद सुरक्षित रहे, जनपद के इंटरेस्ट में है कि राज्य सुरक्षित रहे, और राज्य के हित में है कि देश सुरक्षित हो, और देश के हित में है कि पूरा ग्लोब सुरक्षित हो। ये इतना तीव्र संक्रमण, आप एक वेरिएंट की बात करिए 0.617 जो डीएम साहब बता रहे थे, सिंगापुर वेरिएंट की बात आने की शुरू हो चुकी है। आप में से कई लोगों ने पढ़ा हो, जब तक वो बात खत्म होगी तीसरे वेरिएंट की बात होगी। आप किसी चीज की एक ही पन्ने पर कुछ लिखा है, इसको जब फोटो कॉपी करते हैं तो कॉपी और इसमें अंतर होता है, वो जो बदलाव है वही म्यूटेशन है। जब वायरस सेल के साथ जाके अपनी कॉपी बनाता है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। वो परिवर्तन कितने होंगे, किन व्यक्तियों में कितने होंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल रेस के हिसाब से कितना डिफर करेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। आपने वैक्सीन दो ले ली, वैक्सीन कोविशील्ड, वो उस बदलाव को कितना टैकल कर पाएगा कोई नहीं कह सकता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कम से कम शब्दों में कि समस्या की भयावह विस्तीर्ण और डीप प्रकृति को समझिए। और उसके बावजूद जो एसएसपी साहब कह रहे थे कि लोग घूमने जा रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है। मैं अभी बेतियाता से निकल रहा था और मैंने देखा कि लोग मास्क हटा के 6-8 लोग एक ठेले पर चना, लैया चना खा रहे। क्या ये वक्त इन चीजों का है? और फिर हम कहते हैं कि प्रशासन ने बेड नहीं दिया। 55 लाख से 60 लाख के बीच की आबादी होगी जनपद, और गोरखपुर जनपद सिर्फ गोरखपुर के लिए कार्य नहीं करता, गोरखपुर जनपद कम से कम 12 से 15 जिलों का काम करता है, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हो, चाहे वो मेडिसिन सुविधा प्रोवाइड करना हो। आप दूसरे जनपदों के संक्रमित व्यक्तियों के चिकित्सा को मना नहीं कर सकते। आप नेपाल राष्ट्र के लोगों को भी करते थे, बिहार के 3-4 जनपद के लोग यहाँ पर आते हैं। आपका बीआरडी मेडिकल कॉलेज सिर्फ आपके जनपद की सेवा नहीं करता, वो कई जनपदों की सेवा करता है। ट्रेड, कॉमर्स, सब्जी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें आपके नगर निगम एरिया को कंजेस्टेड करती हैं, संक्रमण के लिए बड़ा फिट स्थान बनाती हैं। और इसलिए गोरखपुर नगर निगम की मोहल्ला निगरानी समिति का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस चीज को समझें आप, यही कहने के लिए हम सभी आपके सामने उपस्थित हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। सुनने में आता है कि मोहल्ला वार्ड नंबर 5 में सिर्फ आशा बहन अकेले जा रही हैं, आंगनबाड़ी नहीं आ रही, उनके घर में कोई बीमार है, आशा एएम जा रहे हैं, कोई और साथ नहीं दे रहा। मेरा पार्षद महोदयों से अनुरोध है, सभासदगढ़ से अनुरोध है, ठीक है, कई सभासद लोगों ने मुझे शिकायत की हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, जो है उसमें अब ये लड़ाई लड़नी है। और यकीन मानिए पर्याप्त, क्योंकि भारत की जनसंख्या 1.3 बिलियन है, कोई भी कितना भी संसाधन लगा दे 1.3 बिलियन के लिए कम होगा ही होगा। और जो आपकी बर्थ रेट है और जो पीएफआर है, उस हिसाब से जितने संसाधन आप जुटाएंगे तब तक आपकी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। और इसलिए सजगता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना पड़ा। एमओआईसीज को अपना तारतम्य, समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा मोहल्ला निगरानी समिति। ये नहीं हो सकता कि एमओआईसी अलग कार्य कर रही है, आशा अलग काम कर रही है, पार्षद महोदय अलग कार्य कर रहे हैं, संघे शक्ति, या आपको पता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यदि हम एकजुट होंगे ताकत बढ़ेगी और हम सामना संक्रमण का अच्छे से कर पाएंगे। सो ये एक अनुरोध है। करना क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है, निगरानी समिति, समिति के नॉमिनेशन में ही काम रखा है सर्विलेंस, निगरानी, नजर रखें कौन है जो मास्क नहीं लगाए। यदि हम ही मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं, मास्क है यहाँ अटका है, एसएसपी साहब की गाड़ी का सायरन सुना तो ऊपर लगा दिया, फिर गए फिर नीचे कर दिया, फिर डीएम साहब की गाड़ी का सायरन सुना फिर ऊपर कर दिया फिर नीचे कर दिया, क्या है? अब फिर हम कहेंगे कि हमें बेड नहीं मिला। हर
व्यक्ति को सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। देश से पूछने से पहले अपने आप से पूछिए कि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। So, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। निगरानी रखिए, घर में जाइए, अंदर मत जाइए, घर से बाहर ही लोगों से पूछिए वो ठीक है। आपको मेडिसिन किट दी गई है, पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन है, पर्याप्त मात्रा में। निगरानी समिति के लिए अलग आई है, आरआरटी के लिए अलग आई है, और मुझे लगता है मेडिसिन किट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप पार्षद महोदय गणों को भी थोड़ी सी अतिरिक्त में सीएमओ साहब इनके पास भी किट थोड़ी 10-12-15 रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये लोग भी किसी को दे पाएंगे। मेडिसिन किट दे दीजिए, यदि आप वो पॉजिटिव नहीं भी आया है, आपको कुछ लक्षण दिख रहे हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक, जिंकोवेट ये सब दे देंगे, इसका कोई नुकसान नहीं, वो ले सकते हैं, तो वो उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराइए। उनको सैंपल टेस्ट कहाँ पर हो रहा है बताने की कोशिश करिए, उनको ले आइए। यदि एक ही जगह मोहल्ले में आपको लगता है 50-60 लोग हो गए हैं, एमओआईसी से रिक्वेस्ट करिए, बगल में कैंप लगा देंगे, वहां पर सैंपल टेस्ट कराइए। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीनेशन, जैसा भी हो, जिस म्यूटेंट का भी हो, अभी भी जो सबसे कारगर अस्त्र हमारे पास मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद यदि कोरोना का है तो वैक्सीनेट करना है। और वैक्सीनेशन गोरखपुर में आप जानते हैं कि 2 वर्गों में हो रहा है, 18 से 44, 45 और 45 से ऊपर। 18 से 44 के लोग जो आपको देखते हैं, क्योंकि इनमें से कई लोग हैं जिनके बच्चे पैदा होने वाले होंगे, उनको समझाइए, ये लीजिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करा के जहां पर आपका हो जाइए, दूर खड़े होकर अपने को वैक्सीनेट करिए। कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, दोनों टीके टेस्टेड हैं, रेगुलेटरी बॉडीज ने चेक किए हैं, कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। जो 45 और उसके ऊपर के टीकाकरण है वो खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एमओआईसी की मदद दे सकते हैं, वहां जाके टीकाकरण हो सकता है। लेकिन निगरानी समिति जब अपना कार्य कर रही है, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए प्रेरणा करना, प्रेरणा देना जरूरी है, क्योंकि वो इस वक्त इस लड़ाई में हमारा सबसे अहम अस्त्र है, और उसको आप कराने का प्रयास करें। किसी को इसमें कोई दिक्कत होती है, एक कदम आगे बढ़ के उसमें मदद करें, और ये मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत कारगर साबित होगा। यही कुछ बिंदु थे जो मैं आपसे कहना चाहता था। एमओआईसी से मैं फिर से अनुरोध करूंगा, जब मैं एनालिसिस करता हूं जनपदवार, चारों जनपदों में और विकासखंडवार, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हमारे गोरखपुर नगर निगम का आता है, और आवश्यक भी है, मैंने कारण भी बताए, और इसकी आप सभी का उत्तरदायित्व बढ़ता है। आप में से ज्यादा लोग बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, मैंने कुछ जगह भ्रमण भी किया है, और मुझे ये भी मालूम है कि बहुत कॉन्स्टेंट में काम करते हैं। सभी का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है कि नगर निगम की सारे जनमानस को हमें संक्रमण से मुक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है, और गोरखपुर को पूरे प्रदेश में एक ऐसा मॉडल सेट करना है कि देखिए हम एक समय 15% पॉजिटिविटी रेट के थे, हमने अपनी निगरानी के बल पर, हमने अपने वैक्सीनेशन के बल पर, हमने अपनी सजगता के बल पर, हमने कोरोना कर्फ्यू को अच्छा सा पालन करते हुए इस संक्रमण को इतना कम किया। इसी आशा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को पुनः शत शत नमन, धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित है हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब, पूरी विस्तृत जानकारी इन्होंने जो फील्ड में प्राप्त की है वो हम लोगों को दिया है, हमारे सभी वॉलंटियर्स को दिया है, सारी बातें हो चुकी है। मैंने देखा है कि डीएम साहब कब रात में सोते हैं मुझे पता नहीं, 12 बजे रात से फोन करिए, कोई समस्या हो उठाते हैं। कमिश्नर साहब भी, एसएसपी साहब, ये लोग एक गाइडलाइन के रूप में इस शहर में उपस्थित है, एक मुख्यमंत्री जी का शहर है, बातें बहुत सारी हुई है, और डीएम साहब ने बताया है कि बीमारी और जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं उससे 3-4 महीने तक भी प्रभाव रहता है, तो बीमारी का इलाज करना अच्छी बात है, लेकिन बीमारी नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना है। हमारे सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पूरी तरह से पालन करना है, नागरिकों का और हमारे जितने वॉलंटियर्स है इनका पूरा सहयोग हो कि गोरखपुर से कोरोना हारे और गोरखपुर वासी जीते। जय हिंद, जय भारत।
प्रयास ये है कि जैसे ग्राम स्तर पर हमारी ग्राम निगरानी समिति है, वैसे ही मोहल्ला नगर निगम एरिया में मोहल्ला निगरानी समिति है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नगरीय अंचल की हमारी पीएससी हैं, करीब 20 पीएससी हैं, वो 20 पीएससी के साथ साथ जो मोहल्ला निगरानी समिति में आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सफाई सुपरवाइज़र, ये सारे लोग मिल के काम करें। गोरखपुर नगर निगम का पॉजिटिविटी रेट एक समय 20% के करीब पहुंच गया था और आज ये कम घट के 8 के आसपास आ रहा है। लेकिन गोरखपुर नगर निगम में क्योंकि ये एक ट्रेड, इकोनॉमिक, कॉमर्स, एयरपोर्ट, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में आपके जो प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग होम है, उनका सारा यहाँ पर आपके नगर निगम में है, और इसलिए यहाँ पर आपकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नगर निगम की जो मोहल्ला निगरानी समिति हैं, वो बहुत सजगता रखें, सर्विलेंस रखें, और वो अपना कार्य मजबूती से करें। स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी में जो ICDS है, आशा ANM है, पार्षदगण है, ये सब मिल के काम करें। और यही एक प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ संवाद स्थापित करने का किया है। देखिए, ये जितनी मोहल्ला की निगरानी समिति हैं, इन सभी को मेडिसिन किट दी गई है, और इनको जो भी आइवरमेक्टिन है, विटामिन सी है, जिंक है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी मेडिसिन उपलब्ध कराई गई हैं। ये RRT के अतिरिक्त इनको दी गई है, दवाओं का पर्याप्त हमारे पास मात्रा में उपलब्ध है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए ये दी गई हैं। इसके साथ साथ इनसे अनुरोध किया गया है कि जो दो आयु वर्गों में टीकाकरण हो रहा है, उसको भी प्रभावी रूप से कराएं। तो ये दोनों प्रयास किए गए। थर्ड वेव, देखिए थर्ड वेव की जो भी बात हो रही है, बात यह है कि हमें अपनी सजगता रखनी है, हमें अपना सर्विलेंस रखना है। थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि ये पीडियाट्रिक, मतलब बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो गरीब तबके के 45 साल के ऊपर के लोग हैं या 18 से 44 हैं, हम उनको भी प्रेरित करते हुए उनका भी टीकाकरण कराएं। आप गवर्नमेंट ने लैक्टेटिंग मदर जो हैं उनका भी टीकाकरण अलाउ कर दिया, और हम उनको भी कराएं, जिससे कि बच्चों में भी कुछ एंटीबॉडीज़ पहुँचें। और इसलिए आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि टीकाकरण हमारा प्रभावी होना चाहिए, और जिन लोगों का भी टीकाकरण नहीं हुआ है, उनका टीकाकरण कराया जाना चाहिए। देखिए, इंसेफ्लाइटिस में अच्छी तैयारी हरदम रही है, और आपने देखा है कि 2016-17 के बाद से नई सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, त्रिस्तरीय हमारी संरचना है, वो ETC की है, मिनी पीकू की है, और पीकू की है। और यही जो स्ट्रक्चर है पेडियाट्रिक ICU का, यही स्ट्रक्चर हम थर्ड वेव, संभावित थर्ड वेव में यदि बच्चों को प्रभावित होते हैं तो उनको लिए भी हम यूज़ करेंगे। स्वच्छता सैनिटाइजिंग हम इसके लिए भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो बहुत कारगर होगा। स्वच्छ पानी हो, पेयजल हो, स्वच्छता हो, सैनिटाइजेशन हो, तो वो इंसेफ्लाइटिस में भी कारगर साबित होता है, और हमें लगता है कि हम दोनों बीमारियों के संक्रमण को इससे रोक पाएंगे। धन्यवाद।